सभी जन सरोकार मंच के श्रोताओं को गंगाधर शर्मा हिंदुस्तान का सादर नमन। इस मंच पर मैं एक ऐसी रचना पेश करने का प्रयास कर रहा हूं जो मैं सलुम्बर गया तो सलुम्बर में मैंने वहां पर देखा, हाड़ी रानी का बहुत जिक्र सुना था बचपन में, और हाड़ी रानी को लेकर के वहां एक मूर्ति बनी हुई है। उस मूर्ति में कैसे चुंडावत जी एक थाल में लेकर के सेवक जो सर कटा हुआ रखा है उसको उठाने का एक दृश्य बना हुआ है, उस दृश्य को देख करके और एक रचना दिमाग में आई थी। वो दृश्य की जो रचना है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको शीर्षक दिया है हाड़ी रानी का आत्म बलिदान। मेवाड़ धरा पर राष्ट्र प्रेम की अविरल सरिता बहती है, हिंदुस्तान गर्व से कहता भारत माता कहती है। मेवाड़ धरा पर राष्ट्र प्रेम की अविरल सरिता बहती है, हिंदुस्तान गर्व से कहता भारत माता कहती है। जिसका कण कण देश प्रेम हित बलिदानों की गाथा है, इसके दम पर ऊंचा जग में हरदम अपना माथा है। यही है एक धरा जहां पर छत्राणी जोहर करती थी, फुफकार धधकती ज्वाला में, फुफकार धधकती ज्वाला में, पट पग अडिग अकंपित धरती थी। मातृभूमि तरचित यज्ञ में स्वयं हवि बन जाती थी, निज संतानों को बलिदानों का ऐसे पाठ पढ़ाती थी। वो खाली बलिदान की बातें नहीं करती थी, यहाँ की जो नारियां थी मेवाड़ की, तो मातृभूमि तरचित यज्ञ में स्वयं हवि बन जाती थी, निज संतानों को बलिदानों का ऐसे पाठ पढ़ाती थी। तो जो बलिदानों की इसी परंपरा की है अमिट निशानी, वो थी राव सलुम्बर रतन सिंह की सद्य ब्याहता रानी। आए हुए बारात सलुम्बर बस रोज चंद ही बीते थे, नववधु का मुख कमल देख ही रतन भ्रमर अब जीते थे। खोए थे श्यामल अलकों की भूल भुलैया गलियों में, गुजर रहा था समय प्रेम की अटखेली रंगरलियों में। डूब गया था भ्रमर पद्म की अनंत अतल गहराई में, उत्तुंग शिखर कामाचल की उतराई और चढ़ाई में। तो अभी निशा ढली थी परना नशा सुंदरी बाला का, रतन सिंह ने अभी भरा ही था फिर से प्याला हाला का। अरुणोदय पूर्व की लाली अभी पूरब दिशा में छाई थी। सुबह का दृश्य था, रात भर जो महाराणा थे राज सिंह मेवाड़ के, उनका संदेश लेकर के वो आया था। चारुमती जो रूपनगढ़ की राजकुमारी थी उसके लिए शहंशाह ने डोला भिजवाया था, उसके अगेंस्ट वो उसने चाहा था कि मैं महाराणा राज सिंह से शादी करूं, और राज सिंह जी ने वो संदेश भिजवाया था कि युद्ध के लिए आप आए। तो सुबह सुबह वो संदेश वहां पहुंचा था, वो दृश्य है। अभी निशा ढली थी परना नशा सुंदरी बाला का, रतन सिंह ने अभी भरा ही था फिर से प्याला हाला का। और अरुणोदय पूर्व की लाली अभी पूरब दिशा में छाई थी, अति मधुर स्वरों से महलों में बज उठी भोर सहनाई थी। अब खोल दिया था ग्वालों ने निज पशुओं को जंजीरों से, पड़ी सुनाई घोड़े की टापे दूर दुर्ग प्राचीरों से। तो द्वारपाल ने द्वार खोल जय एक लिंग जी बोला था, आगंतुक अश्वारोही को अपनी आंखों से तोला था। तो अश्वारोही ने जवाब दिया एकलिंग जी, वहां का अभिवादन की एक परंपरा है। द्वारपाल ने द्वार खोल जय एक लिंग जी बोला था, और आगंतुक अश्वारोही को अपनी आंखों से तोला था। तो जय एक लिंग जी कह घुड़सवार ने द्वारपाल को नमन किया, आने का मंतव्य का सब जिज्ञासाओं का समन किया। राज सिंह महाराणा जी का संदेश गुप्त वो लाया है, चूंडावत जी के लिए स्वयं जो राणा ने भिजवाया है। तो राजमहल में दासी से पास समाचार हर कार्य का, उतर गया था नशा मधुप का रूप रतन मतवारे का। यह समर भूमि से आया था संदेशा उसे बुलाने को, शस्त्र सज्ज हो चला वीर तब अपना धर्म निभाने को। तो सिंह अब जब वीर चल पड़ा है तो क्या होता है, शस्त्र सज्ज हो चला वीर तब अपना धर्म निभाने को। सिंह द्वार पर पहुंच वीर को याद आ गई थी रानी, कैसे कटे समय बिन रानी ले लूं संग निशानी। तो रानी को संदेश लिखा,
रानी को संदेश लिखा और दिया हाथ हर कार्य के। इधर गगन में गूंज रहे थे ऊंचे स्वर जयकारे के। संदेश हाथ में आते ही सब जान लिया था रानी ने, और चूंडावत की आसक्ति को पहचान लिया था रानी ने। क्या थी आसक्ति? कि युद्ध भूमि में मन इनका मुझ में ही अनुरक्त रहेगा, युद्ध भूमि में मन इनका मुझ में ही अनुरक्त रहेगा, और शत्रु रक्त का पान भूल यह युद्ध विरक्त रहेगा। तो मेरे प्रति है प्रेम वीर का धर्म मार्ग की बाधा है, और मैं छत्राणी छात्र धर्म में मेरा हिस्सा भी आधा है। युद्ध भूमि है रक्त मांगती मैं इसकी प्यास बुझाऊंगी, शीश चढ़ा अपने हाथों अपना कर्तव्य निभाऊंगी। और रानी ने निश्चय किया, और क्या होता है, खड़ग हस्त हुई रानी तत्क्षण तब दसों दिशाएं डोली थी। खड़ग हस्त हुई रानी तत्क्षण तब दसों दिशाएं डोली थी, था स्वर संयत अति सहज भाव रानी सेवक से बोली थी। क्या बोली? कि मेरा यह सर सजा थाल में दे देना अपने राजा को। और रानी ने दी यही निशानी कह देना अपने राजा को। और उसके बाद बिल्कुल कोई समय नहीं लगा, सौनित के छींटे त्वरा वेग से उड़ते दिए दिखाई। और रानी सौनित के छींटे त्वरा वेग से उड़ते दिए दिखाई, और नतमस्तक थे सभी महल में सिसक उठी सहनाई। जो भोर की सहनाई बज रही थी, नतमस्तक थे सभी महल में सिसक उठी सहनाई। तो जब चूंडावत ने सजे थाल से रेशम वस्त्र हटाया, स्वयं सूर्य भी ठहर गया था सूर्य स्वयं घबराया। तो कर सख्त हृदय को थाली से शीश उठाया राजा ने, द्वे भाग किए फिर बेणी से उरमाल बनाया राजा ने। और क्या होता है कि बरस रहे थे पुष्प गगन से, रानी की जय जयकार हुई, और अमिट कीर्ति रानी रश्मि की काल चक्र के पार हुई। अमिट कीर्ति रानी रश्मि की काल चक्र के पार हुई। ये हमारा राजस्थान का जो शौर्य है उसको व्यक्त करती एक रचना थी। एक चूंकि मैं, मेरी कर्म स्थली अभी अजमेर है, अजमेर जो है वहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान जो हुए उनको लेकर के भी मैंने एक रचना का निर्माण किया था। वो जो रचना है वो मैं रचना आपको सुनाता हूँ। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वो प्रसंग मैंने लिया है जहाँ वो अंतिम युद्ध जो अपना लड़ते हैं और उसके बाद गोरी से हार जाते हैं, और गोरी उनको बंदी बना करके अपने साथ गजनी ले जाता है। गजनी के अंदर वहाँ ले जा करके उनको किस प्रकार से वहाँ कैद कर दिया जाता है, उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, ये सब प्रसंग हमने सुने हैं। उन्हीं प्रसंगों को बांधती एक छोटी सी रचना जो उस काल को शायद आपको बता पाएगी। शीर्षक मैंने दिया है पृथ्वीराज का अंतिम सर, क्योंकि वो आखिरी तीर उसने चलाया था जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी का खात्मा कर दिया था। कि नहीं था भय जरा सा भी अभय संयोगिता वर को, द्रगों में डाल कर वो द्रग रहा ललकार ताखर को। संयोगिता उसकी पत्नी थी जिसके पीछे सारा युद्ध हुआ, जयचंद ने किस प्रकार से धोखा दिया, ये सब बातें सामने इतिहास जानता है। तो नहीं था भय जरा सा भी अभय संयोगी तावर को, और द्रगों में डाल कर वो द्रग रहा ललकार ताखर को। सहन वह कर नहीं पाया जलन भारी हुई तन में, निकालूं आज ये आंखें किया निश्चय यही मन में। और गोरी ने क्या कहा? कहा सेवक सलाखों को गर्म कर डाल दो इनमें, जगाती रात में आंखें डराती हैं मुझे दिन में। तो वहां जल्लाद थे तत्पर नयन दोनों जला डाले, या फिर कैद कारा में लगाकर द्वार पर ताले। इधर चौहान पर संकट उधर व्याकुल था बरदाई, चंद्र बरदाई उनका मित्र था। इधर चौहान पर संकट उधर व्याकुल था बरदाई, तो व्यथा चौहान की खींचे वहीं पर चंद को लाई। चला जब चंद गजनी को उसे विश्वास था पूरा, कि होगा हिंदू राजा का विजय का स्वप्न फिर पूरा। मिला जब चंद गौरी से उसे यह बात बतलाई, चलाते शब्द भेदी सर बिना देखे करिश्माई। नहीं उसको यकीन आया कहा कर्तव्य दिखाओ तो, और यही तो चंद वांछा थी कहा पिंजरा खुलाओ तो। तो मिले दो सिंह पिंजरे में हुई संकेत में बातें, करो अब अंत पापी का करो निष्फल असुर खाते। बुलाया था नगर भर को सजाया मंच गोरी ने, और किया ना रंच भर भी शक असुर सरपंच गोरी ने। बड़ा मैदान था जिसमें
खड़ा चौहान था बंदी और व्यवस्था का तमाशा था प्रकट था सोच थी गंदी। सजग प्रहरी लगाए थे सभा के सब निकासों पर, सजग प्रहरी लगाए थे सभा के सब निकासों पर और सभी के मन प्रफुल्लित थे गमकते ढोल ताशों पर। ढोल ताशे बज रहे थे और वहां पर एक मजमा लगा हुआ था कि अंधा आदमी कैसे तीर चलाएगा। बड़ा मैदान था जिसमें खड़ा चौहान था बंदी और व्यवस्था का तमाशा था प्रकट था सोच थी गंदी। सजग प्रहरी लगाए थे सभा के सब निकासों पर, सभी के मन प्रफुल्लित थे गमकते ढोल ताशों पर। बिना खोज चलाएगा भला यह बाण को कैसे, और तमाशा था लगा वही हुआ लंका में था जैसे। हनुमान जी की पूंछ को आग लगाने से पहले जो तमाशा हुआ बिल्कुल वैसा ही एक स्थिति थी। लगा तमाशा था लगा वही हुआ लंका में था जैसे, खिंची डोरी धनुष की थी पिथौरा के श्रवण पुट तक और हृदय में थी महामाया। झुका उनके लिए मस्तक फड़कती थी भुजा दोनों, नयन के रंध्र रक्तिम थे, खड्डे जो आंखों के हो गए थे नयन के रंध्र रक्तिम थे और समाये एक तन मानो स्वयं ही भीम अर्जुन थे। गुरु श्री राम थे कहते कि पृथ्वीराज ये सच है। गुरु श्री राम उनके गुरु थे जो वहां अजमेर में सरस्वती विद्यालय जो था वहां उनको तीरंदाजी सिखाते थे। उन्होंने वो कहा करते थे कि गुरु श्री राम कहते थे कि पृथ्वीराज ये सच है, तुम्हारे रूप में आया स्वयं अवधेश दशरथ है। उधर घंटा बजा ऊपर, इधर बोले थे बरदाई और कहीं सब छंद में बातें, कहां बैठा है अन्यायी। हवा प्रतिकूल बहती थी पवन एक शोभ था बढ़ता और सभा के रक्त का पारा कभी गिरता कभी चढ़ता। कसी मुट्ठी धनुष पर थी मगर संधान बाकी था, तपस्या में तपस्वी की अभी कुछ ध्यान बाकी था। पिता माता गुरु गीता गौ गंगा तथा पुष्कर स्मरण करके किया सत्वर सहज संधान अंतिम सर। और चलासर लक्ष्य पर अपने भुवन था देखता सारा, लेकिन पवन ने थाम कर उसको कहा सर से सुनो प्यारा अतुल अवसर मिला तुमको, मिटा दो दिखा दो तीर फन अपना। ऐसा अवसर हर एक तीर को नहीं मिलता है। अतुल अवसर मिला तुमको दिखा दो तीर फन अपना, मिटा गौरी धनुष को तुम करो सच हिंद का सपना। तो सनन्सन तीर जा पहुंचा सभी अवरोध थे टूटे, सनन्सन तीर जा पहुंचा सभी अवरोध थे टूटे और तड़क बख्तर गए सारे पनाले रक्त के फूटे। पड़ा गौरी बिना पगड़ी धरा पर धूल से धूसर, थमे थे ढोल तासे सब, जो ढोल तासे बच रहे थे। पड़ा गोरी बिना पगड़ी धरा पर धूल से धूसर और थमे थे ढोल तासे सब। असुर था जा चुका ऊपर, सभा थी सन्न क्षणभर को, मगर फिर हो गई चेतन। पकड़ लो चंद अरु पृथ्वी निकल जाए नए दुश्मन, लेकिन पकड़ नहीं पाए क्या हुआ, गले लग चंद से पृथ्वी चले उस मार्ग अंतिम पर। गगन से देवता करते पूप वर्षा परम पथ पर, तो कहानी है पिथौरा की न हिंदुस्तान भूलेगा। धराहित प्राण जो देगा वही आकाश छूलेगा। जय सियाराम, जय जय सियाराम। जन सरोकार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया।